Hello everyone, welcome back once again to your very own channel, that is Mazdon with Pratyush, and finally we are back with the 62nd episode of Sunday Vani. Finally, बहुत दिन के बाद हमारे चैनल में और एक वीडियो आ गया. संडे है और संडे वाणी नहीं आया, ये वाला जो डायलॉग था मैं बहुत दिन से नहीं बोल पाया था ड्यू टू सम वर्क बोल सकते हैं आप, या फिर और कुछ काम के वजह से मैं और पूरा टाइम नहीं दे पा रहा था चैनल को, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी. बट मैं फिर से आ गया हूँ संडे में आपके लिए एक संडे वाणी लेके. जैसे हम प्रीवियसली 61 संडे से जो एक स्ट्रिक चल रहा था वो बीच में थोड़ा सा मतलब टूट गया था, फिर बढ़ा फिर टूटा, ऐसे करते करते 61 एपिसोड जब आया उसके बाद एक बहुत बड़ा एक लंबा सा गैप हो गया. तो उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी, क्योंकि उसके अंदर बहुत कुछ ऐसा हो गया जैसे जिसके कारण मैं और चैनल को टाइम नहीं दे पा रहा था. तो लेकिन आज फिर से संडे है और संडे वाणी आ गया, तो जो हो गया हो गया, उसको भूल के हम आगे बढ़ते हैं. और क्योंकि हमारे चैनल में अभी भी 1945 मेंबर्स जुड़े हुए हैं, ऑब्वियसली वो फैमिली मेंबर्स मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस है, तो मैंने सोचा कि अगर उनके लिए ये चैनल इतना ग्रो किया है तो उसको मैं ऐसे आधे रास्ते में छोड़ नहीं सकता. तो जैसे भी करके टाइम निकाल के आपके लोगों के लिए कुछ ना कुछ मुझे लाना पड़ेगा, स्टडी रिलेटेड कॉन्टेंट बोलिए या फिर संडे वाणी बोलिए. हम बहुत दिनों से ये कंटिन्यू करते आ रहे थे, बट पूरा कंसिस्टेंसी जो बोलते हैं कंसिस्टेंसी सारे वर्क में अगर आप लोग नहीं लाओगे तो आप कभी भी आपके गोल तक पहुंच नहीं पाओगे. वही सोच के मैंने सोचा नहीं, जैसे भी हो जो भी काम हो उसको उसके लिए टाइम निकाल के इसके लिए भी मुझे आधा घंटा एटलीस्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर मैं मतलब नहीं कर पा रहा हूँ तो वो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगा, और एक बार कंसिस्टेंसी ब्रेक हुआ तो उसको फिर ट्रैक में लाना बहुत ही मतलब डिफिकल्ट हो जाता है. वो सोच के मैं फिर से आ गया हूँ संडे वाणी एक और एक छोटा सा टॉपिक या फिर बोल सकते हैं एक छोटा सा एक मोरल स्टोरी लेके, जिसको कि हम आज डिस्कस करेंगे. और एट द एंड ऑफ द स्टोरी हम कुछ लाइन सीखेंगे जो कि आई होप हम लोग अगर हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत हम कुछ मिल सकता है हमको. तो जाने से स्टोरी को जाने से पहले जो हमारे चैनल में नया है सब्सक्रिप्शन का बटन दिख रहा है, आप लोग जाके एक बार वॉच करो चैनल को, चैनल में क्या क्या कंटेंट है देखो, अगर आपको सही लगे तो आपको सब्सक्राइब करो और आप लोगों के नियर एंड डियर के साथ शेयर कर सकते हो. बाकी अगर आप लोग चैनल में पहले से जुड़े हुए आप लोगों को पता है तो उनके लिए बहुत बहुत माफ़ी मैं मांगना चाहता हूँ पहले, और हम डायरेक्टली शुरुआत करते हैं एक नया स्टोरी को लेके, और लास्ट में हम कुछ सीखेंगे उसके रिलेटेड कि क्या हमको सीखने को मिला वो और हम कैसे वो लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो. तो ज़्यादा देरी ना करके फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो स्टोरी कुछ इस तरीका का है, आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा जो आ रहा है, द कप ऑफ टी एंड द टी, मतलब टी और उसके साथ कप ऑफ टी. तो टी अलग होता है और कप अलग होता है, ऑब्वियसली कप में हम टी को रख के पीते हैं. तो ये क्या है स्टोरी के बारे में थोड़ा सीखते हैं. मैंने एक बार सुना था ये स्टोरी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, मैं स्टूडेंट के साथ भी बार बार शेयर करता हूँ, तो आज फिर से ये मौका आया मुझे तो मैं सोचा कि यही वाला एक बार शेयर कर लेते, देखते क्या कैसा आप लोगों का उसमें व्यूज़ आते हैं और आप लोगों को क्या मतलब अच्छा लगा या नहीं आप लोग कमेंट करके बताना. तो ये बात कुछ इस तरीका का है कि एक बार क्या हुआ ना, कॉलेज ख़त्म करके कुछ लोग कुछ दोस्त लोग सब अपने अपने लाइफ में बिजी थे. एक बार वैकेशन निकाल के वो लोग सोचे कि चलो हम लोग थोड़ा सा छुट्टी में जाते हैं, और छुट्टी में कहाँ जाएंगे इधर उधर सोचे, तो वो बोले कि चलो हम लोग को जो प्रोफेसर है हमारे जो टीचर थे हमको जो ग्रेजुएशन में पढ़ा रहे थे उनके पास जाएंगे. तो वो चार पाँच जन दोस्त अपने अपने जगह से छुट्टी लेके वो लोग वैकेशन में आ गए उनके टीचर्स के पास. टीचर्स के साथ टीचर उनको देख के बहुत ही खुशी हो गए कि ग्रेजुएशन में जो भी बच्चे हमारे पास पढ़े थे वो लोग इतने दिन बाद भी हमको याद रखे हैं. सब कोई अपने अपने फील्ड में जॉब कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पोजिशन में है. तो वो लोग आके फिर वो टीचर के साथ बैठते हैं, पूरा टाइम स्पेंड करते हैं, तो टीचर फिर उनके साथ गप्पे लड़ाते हैं. तो वही गप्पे लड़ाने के बीच में सब कोई अपने अपने लाइफ के डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या मतलब हार्डवर्क कर रहे हैं वो लोग, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ है लाइफ में, कैसे क्या जॉब को टैकल कर रहे हैं, वो सब के बारे में डिफरेंट स्टेजेस के बारे में वो लोग बात कर रहे हैं. तभी टीचर बोले कि ठीक है आप लोग बात करो, मैं आपके लिए कुछ चाय वगैरह का व्यवस्था करता हूँ. तो फिर किचन में गए, फिर उनके लिए चाय वगैरह बनाए और चाय लेके आए. तो चाय जब लेके आए वो लोग अपने अपने चाय पी रहे हैं, तो टीचर्स उनको कुछ सिखाने के लिए वो क्या किया ना, वो किचन में गए और डिफरेंट कप्स लेके आ गए. मतलब कुछ बहुत एक्सपेंसिव कप्स थे, कुछ नॉर्मल कप थे, कुछ ग्लास थे नॉर्मल ग्लास के कप थे, और कुछ बहुत ही लिमिटेड जो मतलब नॉर्मल दिखता है वो वाला कप थे. तो ऐसे 6-7 कप उनके सामने ले आए, बोले कि ये कप एक एक ले लो आप लोग जहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है, और उसमें कप उसमें टी जो आप लोगों को मैं सर्व किया हूँ वो वाला डाल के पियो, आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा. तो सबको ही अपने अपने जब कप देखे तो जो जो एक्सपेंसिव था जो जो बहुत ही मतलब दिखने में बहुत ही अच्छा था वो लोग सब अपने अपने कप 500 कप उठा दिए और सब अपने अपने में चाय मिला के वो लोग फिर एंजॉय किए. फिर फाइनली जो दो मतलब जो नॉर्मल ग्लास का कप था और जो मतलब नॉर्मली कुछ भी नहीं दिख रहा था जो पूरा प्लेन कप था, वो दोनों कप
तीन कप वहाँ पे रह गया, मतलब उसको कोई भी चूज़ नहीं किया। फिर फाइनली कप चाय वाय पी लिए, सबको ये रखे, फिर टीचर से पूछे कि टीचर आप बोलिए आप ऐसे ऐसे अलग अलग कप हमको क्यों दिए। फिर फाइनली टीचर उनका सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि देखो बच्चों, मैं भी आपको बहुत पहले से पढ़ा रहा हूँ और मैं बहुत बच्चों को ऐसे पढ़ा चुका हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों का बात सुनकर मुझे कुछ रियलाइज हुआ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझाया जाए कि एक्चुअली मैं लाइफ कैसा होता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, आप लोगों को डिफरेंट कप्स लेके आ गया, और डिफरेंट कुछ एक्सपेंसिव था, कुछ बहुत ही दिखने में अच्छा था कुछ, तो सबको ही हमने क्या किया कि जो जो अच्छा अच्छा दिख रहा था, जो जो एक्सपेंसिव हमको दिख रहा था, जो दिखने में अच्छा था, वो कप हमने ले लिया। बट हमको ये याद नहीं आया कि जो टी मैंने बनाया था वो सेम टी ही था जो कि आप पहले से पी रहे थे। जब आपने कप में चेंज कर दिया, बाकी नया कप में आप लोग जब टी को लिए, आप लोगों को कुछ भी नहीं लगा, आप लोग उसको आराम से पी गए। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि हमारा जो नज़रिया है, जो सोसाइटी का नज़रिया है, तो वो हमेशा हमारे टी मतलब टेस्ट ऑफ टी के ऊपर नहीं रहता, हम कप ऑफ टी के ऊपर रहता है कि कप कैसा है, कप अच्छा दिखना चाहिए, बट कप के अंदर जो टी है वो कितना अच्छा है वो हम लोग नहीं देखते। सो दैट इज़ द पॉइंट जहाँ पे कि ये लाइफ को वो टी के साथ मतलब कंपेयर कर रहे हैं, कि टीचर बोल रहे हैं कि हमारा जो लाइफ है वो टी की तरह है, हम लोग टेस्ट ऑफ टी को हमेशा कभी भी मतलब अच्छा नहीं करना चाहते, हम हमेशा दिखाना चाहते हैं कि जो कप होना चाहिए वो कितना अच्छा है। तो कप क्या है, हमारा जॉब है, हमारा जो पोजीशन है, हमारा जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो हमारा सब फैमिली है, फ्रेंड्स है, वो सब हमारा कप है। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि हमारा कप अच्छा अच्छा दिखना चाहिए, हमारा घर अच्छा दिखना चाहिए, हमारा पोजीशन अच्छा रहना चाहिए, हमारा सब कुछ अच्छा रहना चाहिए, बट हमारा लाइफ कैसा चल रहा है, हमारा जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन है हमारे जॉब के से रिलेटेड, हमारा लाइफ के रिलेटेड, वो कितना अच्छा चल रहा है, वो बहुत हम लोग बहुत बार मिस कर जाते हैं उसके, और उसके लिए हमारा लाइफ कहीं ना कहीं मतलब बैलेंस मतलब छोड़ देता है। इसलिए हमेशा हम लोग ट्राई करेंगे कि जब भी हो कि टेस्ट ऑफ टी, मतलब अगर आप एक टी को एक मिट्टी के ग्लास में भी पी रहे हो, अगर उसका टेस्ट अच्छा है तो वो अच्छा लगना चाहिए। आप लोग नहीं देखेंगे तब कि वो कितना एक्सपेंसिव है और कितना वो मिट्टी से गढ़ा हुआ है। तो वो समझा के, वो मतलब समझाए, एक्सप्लेन किया, और उनके जो स्टूडेंट्स थे वो लोग भी बहुत मतलब खुश हो गए टीचर्स का बात सुन के कि हाँ एक्चुअली में हमारे लाइफ में बहुत सारे डिफिकल्टीज है, तो हम वो डिफिकल्टीज को ही बार बार फोकस करते हैं, हम कितना अच्छे घर में रहते हैं, हम कितना कमा लेते हैं, हम कहां कहां पे जा पाते हैं, वो सब जो हो रहा है हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, डिफ़िकल्टीज जो हमारे प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि हमारा लाइफ कैसा कंटिन्यू करेगा, हम लाइफ कैसे मतलब हैप्पीली मतलब जी सकते हैं, उसके बारे में हम बहुत कम डिस्कस करते हैं। तो इसलिए हमेशा याद रखेंगे कि मोरल ऑफ द स्टोरी यहाँ से हमको क्या सीखने मिलता है, कि हमारा जो लाइफ है वो तो ऑब्वियसली चलेगा, कभी ना कभी जाके एंड होगा, तो हमारा जो लाइफ में जो टेस्ट ऑफ कॉफ़ी हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए, ना कि कप, जो कप में हम पी रहे हैं, तो कप तो आप लोग एक्सपेंसिव पियो, नॉर्मल पियो, फिर ग्लास में पियो, अगर टेस्ट ऑफ टी अच्छा होगा तो ऑब्वियसली आपको चाय अच्छा ही लगेगा। सो दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, और ये सुन के मतलब ये जो स्टोरी सुन के मुझे भी पहली बार बहुत ही मतलब एक एनर्जी फील हुआ था कि हाँ चलो एक मतलब अच्छा सा स्टोरी है जिसमें कि हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा लाइफ में जितने भी डिफिकल्टीज आ जाए, जितने भी प्रॉब्लम्स आ जाए, हम लोगों को डटे रहना है और हमको हमेशा टेस्ट ऑफ टी के ऊपर डिपेंड करना है, ना कि कप जिसमें हम पी रहे हैं। सो इसको मद्देनजर रखते हुए That is it for the story, and I hope ये वाला story अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप लोग comment करना, like करना, और हो सके तो near and dear के साथ सब share करना, और बताना मुझे ये कैसा लगा। बहुत दिन के बाद मैं आया हूँ तो थोड़ा सा मतलब flow इधर उधर हो रहा है, but कोई बात नहीं, ये फिर से मैं try करूँगा continue रखने के लिए। हर संडे को मैं try करूँगा अभी आके आपके लिए कुछ ना कुछ एक टिप्स या फिर moral story लेके आऊँ, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और आप लोगों को भी मैं कुछ दे पाऊँ तो वो भी आप लोगों के लिए अच्छा लगे। और नाउ लास्ट में बोलना चाहता हूँ, 1945 वी आर इन, सो मोर 55 टू गो टू रीच 2K, ह्यूज फॉर मी इट इज़ ए ह्यूज फैमिली मेम्बर्स सिर्फ। सो हो सके तो जो नए अभी देख रहे हैं, हो सके तो आप लोग हमारे फैमिली में ज्वाइन हो सकते हो, मैथ जोन फैमिली हमारा नाम है, वहाँ पे आप लोग सब्सक्राइब का बटन दबा के ज्वाइन हो सकते हो, और जितना जल्दी आप लोग 2K में पहुँचेंगे उसके लिए भी आप लोगों के लिए बड़ा सा सरप्राइज़ है। जैसे कि मैं हमेशा बोला हूँ, 1K में भी मैं आपको दिया था, 1.5K में भी दिया था, और 2K के लिए मैं भी मैं प्लान कर रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम निकाल के मैं ऑब्वियसली यहाँ पे अभी थोड़ा चैनल में आप लोगों को टाइम दूंगा, और जो भी स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ होना चाहिए 10th 11th 12th के रिलेटेड, जो बच्चे नए हैं वो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, और जो पुराने हैं आप लोगों के लिए भी बहुत सारा कुछ आने वाला है ये नियर फ्यूचर में। तो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू कंटेंट, विद अ न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, जय जगन्नाथ।